नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए एक नया खबर लेकर आए हैं, टोटल न्यू खबर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज एक तो सबसे पहली बात कि इसका वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज हो गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो है शाम के समय यहाँ पर देखिए रिवाइज्ड एग्ज़ाम शेड्यूल 2018 जारी कर दिया है। सबसे मेन चीज़ें जो है रिवाइज्ड एग्ज़ाम शेड्यूल 2018, फार फ्री एग्ज़ाम अलर्ट रजिस्टर क्लिक हेयर, रिवाइज एग्ज़ाम शेड्यूल 2018, रिवाइज डेट ऑफ UGC नेट जी मेन्स एंड नीट रिलीज, नीट टू बी कंडक्ट इन पेन एंड पेपर मोड ओनली वंस इन मई 2019। यहाँ पर देखिए नीट का जो एग्ज़ाम होगा अब पेन एंड पेपर मोड में होगा, पेन एंड पेपर मोड। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा डिटेल दे दिया गया है कि UGC नेट दिसंबर 2018 में जो एग्ज़ाम होना है उसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है CBT है। और जो इसका जो रजिस्ट्रेशन चालू होगा एक सितंबर से लेकर 3 सितंबर 2018 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 1 सितंबर से 30 सितंबर 2018 है और आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा 19 नवंबर को और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है दिसंबर 9 से लेकर दिसंबर 23 तक और इसका जो रिजल्ट आएगा जनवरी 10 2019। ये डेट फिक्स कर दिया है, आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। हम आपको पूरा बता रहे हैं रिवाइज एग्ज़ाम शेड्यूल 2019 UGC नेट दिसंबर 2018, ये CBT होगा और ये सितंबर 1 से लेकर 30 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। मतलब फॉर्म भरने की तिथि आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन बिगिंस का मतलब होता है फॉर्म भरने की ये तिथि, और एडमिट कार्ड जो है 19 नवंबर को मिलेगा और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर की अवधि में होगा और इसका रिजल्ट जो है 10 जनवरी 2019 में आ जाएगा। यहाँ पर NTA जी मेंस A1, ये जी का मेंस 1 CBT होगा, यही है सितंबर 1 से लेकर 30 का और ये दिसंबर 18 को एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा और ये इसका जो एग्ज़ाम होगा 6 जनवरी 2019 को होगा। 6 जनवरी से लेकर जो है 20 जनवरी के मध्य में ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा जी मेंस 1 और इसका रिजल्ट आ जाएगा जनवरी 31। ये फिर जी मेंस 2 होगा, इसका जो है फरवरी से लेकर 7 मार्च 2019 तक और इसका जो एडमिट कार्ड होगा 18 मार्च 2019 और इसका जो एग्ज़ाम होने की तिथि दिया हुआ है 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल की अवधि में हो सकता है और अप्रैल 30 2019 को जो है ये रिजल्ट जारी कर देगा। ये नीट एग्ज़ाम जो मेडिकल साइंस के लिए, ये तो एग्ज़ाम के लिए इंजीनियरिंग के लिए हुआ, जॉइंट इंजीनियरिंग इंट्रेंस टेस्ट हुआ जी जो है, यहाँ पर NTA नीट का एग्ज़ाम जो होगा 2019 में पेन एंड पेपर होगा, पेन एंड पेपर। ये नवंबर 30 2018 से ये चालू हो जाएगा, नवंबर से रजिस्ट्रेशन करना प्रारंभ हो जाएगा और इसका जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा 15 अप्रैल को और इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 5 मई 2019। पिछले बार भी यही तिथि को आसपास हुआ था और इस बार भी जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 5 मई को है और एक महीने में रिजल्ट आ जाने की बात कही गई है, 5 जून 2019 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। CMAT एंड GPAT 2018, CMAT एंड GPAT 2018 का ये CBT होगा, 1 नवंबर से 30 नवंबर में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, 7 जनवरी को जो है आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा और 28 जनवरी 2018 को ये एग्ज़ाम होगा और 10 फरवरी को इसका रिजल्ट निकल जाएगा। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको इसको जो है देखना चाहिए और उसके हिसाब से आपको जो है तैयारी कर देना चाहिए, तैयारी करना प्रारंभ कर दें। इस तरह का जो नए समाचार आएगा उस नए समाचार को हम आप तक पहुंचाएंगे।
ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आपको हम कोई जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रारंभ हो जाएगा बहुत जल्दी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ्री, वेट फॉर सम टाइम इफ द बिलो फ्रॉम, ये यहाँ पर ये सब चीज़ें दे दिया है। आप आज के डेट में भी नोटिफिकेशन न्यूज अपडेट फ्री में आएगा, रिसीव्ड नोटिफिकेशन। यदि मान लीजिए इसको आप जो है फ्री रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कब क्या फॉर्म भरवाएगा, तो अभी से ये प्रारंभ हो चुका है, आप सबमिट कर देंगे तो आपको सूचना मिलता रहेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके हिसाब से आपको जो है अपडेट होना है। यहाँ पर देखिए हेल्ड कब क्या होगा कैसे होगा सब डिटेल दे दिया है, सब डिटेल दे दिया है। इसलिए यहाँ पर प्रेस रिलीज रजिस्टर सब ये प्रेस रिलीज कर दिया है कि आपको रिवाइज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल 19 का जो है ये जारी कर दिया है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके छोटे भाई जो जी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या आपका जो है नीट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या GPAT का एग्ज़ाम दे रहे हैं या खुद स्वयं आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप अपने दोस्तों को, आप अपने भाइयों को, बड़े भैया को, दीदी को, यदि मान लीजिए आप उनको भी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी खबर है और ये खबर जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो है आपको हम जो बता रहे हैं उसके हिसाब से आप शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।